गूगल ने बनाई मस्तिष्क की अब तक की सबसे ज्यादा जानकारी देने वाली फोटो। वैज्ञानिकों ने आज किसी जीव के मस्तिष्क का सबसे विस्तृत 3D नक्शा बनाया है। नीले, पीले, बैंगनी और हरे रंग के उभरे हुए धागे हजारों मस्तिष्क कोशिकाओं को दर्शाते हैं। यह उच्च रेजोल्यूशन वाले मैप, जिसे कनेक्टमोन के रूप में जाना जाता है, यह केवल फल मक्खी के मस्तिष्क का एक तिहाई हिस्सा बनाता है, लेकिन इसमें सीखने, नेविगेशन, गंध और दृष्टि जानने का इनबिल्ट सिस्टम शामिल है। यह नक्शा वर्जीनिया में गूगल और जेनेलिया रिसर्च कैंपस के वैज्ञानिकों के बीच के सहयोग में बना है, जिसे बनाने में 2 साल का समय लगा। टीम ने मक्खी के मस्तिष्क की एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत प्रत्येक हिस्से की इमेजिंग की। बाद में उनके बयान के अनुसार मस्तिष्क के माध्यम से न्यूरॉन्स के मार्गों का पता लगाते हुए एक बड़ा नक्शा बनाने के लिए छवियों को एक साथ जोड़ दिया। वैज्ञानिकों ने 4000 से अधिक विभिन्न प्रकार के न्यूरॉन्स पाए, जिनमें मक्खी की सर्कैडियन लय, आंतरिक घड़ी भी शामिल हैं, जो शोधकर्ताओं को यह जानने में मदद कर सकती है कि कीट कैसे सोते हैं। इस तरह के नक्शों से पता चल सकता है कि मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से शरीर से कैसे जुड़े हैं। हालांकि मस्तिष्क में यात्रा बेहद कठिन काम है, और यदि ध्यान दें कि इस तरह के नक्शों ने अभी तक कोई बड़ी खोज नहीं की है। अपने पूरे मस्तिष्क को मैप करने वाला एकमात्र जीव है राउंडवॉर्म सी एलिगेंस। यह एक मिट्टी में पाया जाने वाला कीड़ा है, जो केवल 300 से 400 न्यूरॉन्स और लगभग 7000 मस्तिष्क कोशिकाओं से बना है। टीमों ने कम संकल्प में मानव मस्तिष्क का नक्शा बनाने का प्रयास किया है, लेकिन यह देखते हुए कि मानव मस्तिष्क में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, इस तरह के नक्शे को बनाने में कुछ और समय लगेगा।